आज विश्व अभिलेखागार दिवस है और विश्व अभिलेखागार दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग है वो मध्य प्रदेश भोपाल से जो छत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेख हैं उनका डिजिटलाइजेशन करके हम उनको रायपुर अभी लेकर आए हैं। और आज 5 हमारे जो पुराने बहुत ही हमारी हिस्ट्री में हमारे इतिहास में जो इवेंट्स हुए हैं उनको आज कागज़ों के माध्यम से अभिलेखों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें जब 1947 में जब भारत की आज़ाद हुआ था तो उस समय जो मध्य प्रदेश और बरार है वहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनसे संबंधित जितने भी अभिलेख हैं वो यहाँ पर संबंधित दिए गए हैं। उसके बाद गुड़ियारी और फाफाडी जो आज रायपुर के बिल्कुल मध्य में है वो जब नगर निगम क्षेत्र में उन गांवों को जोड़ा गया था उससे संबंधित जितने भी अभिलेख हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि धमतरी में जो एक रेलवे लाइन जाती है उसमें जब वो बनी थी उसका एस्टीमेट बना था और जब रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ था मोहंदी में उससे संबंधित अभिलेख हैं। रायगढ़ राजा के राजकुमारों के साथ जो विवाद हुआ था उसको निपटारा जो हुआ था उसके बारे में यहाँ अभिलेख प्रदर्शित किए गए। और 1934 में बिंद्रा नवागढ़ और जयपुर जमींदारों के बीच जो सीमा विवाद हुआ था उससे संबंधित अभिलेख भी जो है यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे संस्कृति भवन में आएँ और यहाँ की आर्ट गैलरी में इनका अवलोकन करें। धन्यवाद।